पथरिया ब्लॉक की 96 पंचायतों के सरपंच खासे परेशान हैं, जहां सरपंच या ना तो अपने घर के पैसों से पंचायत चला रहे हैं या फिर उधार के पैसों से पंचायत को चला रहे हैं। तो वहीं ये दुकानदारों के तकादे सहने को भी आज मजबूर हैं। तो वहीं जो सरपंच गरीब परिवार से हैं, उनके लिए तो स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता के साथ कोरोना से भी लड़ाई के लिए खर्च कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में क्षेत्र के सभी 150 गांवों को वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पंचायतों को गांव में मूलभूत और विकास के कार्य कराए जाने के लिए वित्त आयोग के द्वारा राशि जारी की जाती है, जो सीधे पंचायत के खातों में जमा हो जाती है, जिसके जरिए पंचायत में अनुमोदन से ग्रामीणों को सुविधाएं दिए जाने और विकास कार्यों के लिए खर्च करना होता है। इस साल 3 महीने पहले वित्त की प्रथम किश्त की राशि मिली है। कोरोना काल में जो बाहरी प्रवासी मजदूर आए थे, उन लोग का देखभाल के लिए हम लोग जितना पैसा लगाए हैं अधिकारी कर्मचारी के बोलने के अनुसार और जो दबाव पूर्वक कि पैसा देंगे, आज हमारे खाता में पैसा आने के बावजूद हम पैसा हरण नहीं कर पा रहे हैं 15वें वित्त का, और कर्ज में हम चल रहे हैं। मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरपंचों को 15 वित्त की राशि उनको हरण करने की, जैसा वो काम है उसके अनुसार उनको हरण करने की अनुमति दी जाए, ताकि उनके घर में जो तकादेदार या सामग्री क्रय किए हैं तो दुकानदार जो पहुँच रहे हैं उनके उनसे वो निजात मिले। जीवन मिशन जो है उसके अंतर्गत 15वें वित्त में कुछ राइट फंड रखने हैं, तो जिसके लिए अभी एक विशेष ग्राम सभा का डेट आ जाएगा जिसमें 50% राशि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आएगी और 50% फ्री किया जाएगा। जैसे ही वो डेट आ जाएगी विल प्रोसीड।